नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। इंडिया ए और साउथ अफ्रीका ए के बीच जो टेस्ट सीरीज चल रही थी, जी हाँ, दूसरा टेस्ट मैच खेला जाता है मैसूर के स्टेडियम में, वहां पे ड्रॉ हो गया है दूसरा मैच। तो इसी के साथ भारत ने जो सीरीज है 1-0 से जीत ली है। जी हाँ, आपको याद होगा कि जो केरला त्रिवेंद्रम में फर्स्ट मैच हुआ था वो बहुत ही लो स्कोरिंग मैच था, तो वो मैच इंडिया ए ने जीता था 7 विकेट से। यहीं ये जो मैच था बहुत ही हाई स्कोरिंग मैच रहा। जी हाँ, आपको बता दें पहली सीरीज जो पहला इनिंग्स थी इंडिया की, उसमें 417 रन बनाए इंडिया ए के बैट्समैन ने, जिसमें करुण नायर ने अच्छी पारी खेली 78 रन की। शुभमन गिल अपने शतक से फिर चूक गए, लगातार दूसरी बार उन्होंने 92 रन की बेहतरीन पारी खेली, उनका साथ अच्छे से दिया कप्तान रिद्धिमान साहा ने, उन्होंने 60 रन बनाए। शिवम दुबे जो ऑलराउंडर है, उन्होंने भी 68 रन बनाए। और लास्ट मैच के जो फर्स्ट टेस्ट मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे, जी हां, जलत सक्सेना, उन्होंने भी 48 रन की नाबाद पारी खेली, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका ए की टीम जब मैदान पर उतरी, उन्होंने 400 रन बनाए पहली इनिंग में अपने, और उस पर ऑल आउट हो गए 400 रन के बाद, जिसमें एडन मार्करम, जो आपको याद होगा कि साउथ अफ्रीका के तरफ से बहुत से अच्छे क्रिकेट खेलते हुए आए थे, उनको थोड़ा ड्रॉबैक हुआ था, सेटबैक मिला था जब उनको इंडिया ए के अगेंस्ट जब खिलाया गया था साउथ अफ्रीका ए में, मतलब जो उनका जो नॉर्मल स्क्वाड है उसमें नहीं है इस बार, जो ऑफिशियल टेस्ट टीम का स्क्वाड आएगा उसमें नहीं दिखेंगे आपको एडन मार्करम। इस बार आपको देख सकते हैं उनकी तरफ ओपनिंग करते हुए टंडन वुआ, जी हाँ, उन्होंने अच्छी वापसी की, उन्होंने बनाए 161 रन, और इसी की बदौलत उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है। इस मैच की अगर बात की जाए तो उनका साथ अच्छे से दिया था उनके जो ऑलराउंडर हैं, जी हाँ, उन्होंने नॉट आउट पारी खेली थी, मैं मुल्डर की बात कर रहा हूँ, मुल्डर ने 131 रन बनाया नाबाद पारी खेली, जिसका जवाब में थोड़ा आपको याद होगा जो अनऑफिशियल टेस्ट मैच होता है वो 5 दिनों के बजाय 4 दिनों का होता है, तो इसीलिए थोड़ा मैच स्ट्रेच हो गया था, क्योंकि दोनों पारियों में अगर आप इंडिया ए की बात करें साउथ अफ्रीका ए की बात करें, दोनों ने 400 रन का लक्ष्य खड़ा किया था, तो बहुत ही टाइम लगता है, तो इसीलिए जो फोर्थ डे था उसमें सिर्फ महज 60 ओवर गिरे और उसी में 202 रन बनाए। हमारे भारतीय बल्लेबाजों की बात की जाए तो इंडिया ए के बल्लेबाजों ने उसमें भी 202 रन बनाए थे और 3 विकेट का नुकसान हुआ था उनको, तो ये दिखाता है कि कितने अच्छे लय में है। लेकिन प्रियम पंचाल की बात करनी पड़ेगी, जी हाँ, बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही दिग्गज बल्लेबाज बन के उभर रहे हैं। अगर आप डोमेस्टिक सर्किट की बात करें, वो रिप्लेसमेंट माने जा रहे थे केएल राहुल के, लेकिन इस बार शुभमन गिल को मौका मिला, लेकिन अगली बार देखा जा सकता है प्रियम पंचाल, जो बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही प्रोस्पेक्टिंग इमर्जिंग टैलेंट है इंडियन, अगर आप ओपनिंग बैट्समैन की बात करें उनको मौका जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि इस बार भी उन्होंने 109 रन बनाए और वो भी टफ कंडीशंस, अगर आप देख सकते हैं मैसूर की जो पिच होती है चौथे दिन में बहुत हेल्प करती है फास्ट बॉलर्स को, और जो कि अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं साउथ अफ्रीका एक स्क्वाड में। तो यह था हमारा अपडेट। ओडीआई सीरीज जीती थी इंडिया ए ने 4-1 से, उसके बाद वापसी की टेस्ट सीरीज में आए, टेस्ट सर्किट में भी उन्हें 1-0 से ये जो घरेलू सीरीज है ये अपने नाम कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स।